So guys, first of all, a warm welcome to Glitz Vision USA and the segment which we are going to play is called Never Have I Ever. You have? I have. And what was the situation, if you can tell? I haven't. मुझे कुछ नहीं दिखता और मैं अवॉइड करके चुपचाप लगा रहता हूँ अपने में. कितनी बार ऐसा हो जाता है, कोई दोस्त या कोई जान पहचान वाला, बहुत बार यार हाय करके चला जाएगा, हेलो करके निकल जाएगा और मेरा ध्यान भी नहीं दिया. एंड आफ्टर फ्यू डेज ही विल रिमेंबर, जब मैं उसको बोलूंगा हाय भाई क्या हाल है, अबे काहे का हाल है, उस दिन तू तो हेलो भी नहीं कर रहा था, मैं तेरे को दूर से फोन कर रहा था. मेरे साथ भी हुआ एक बार, ये सब अपने वैनिटी के बाहर निकला है और मैं अपनी वैनिटी के बाहर निकला था, इसका पैकअप हो गया था तो मैं सोचा मैं इसको जाके मिल लेता हूं. इट वाज इनिशियल डेज या टाइम हो गया था शूट? अभी वो चाबी की बात, करण संगी के सेट पे नहीं कर रहे थे, महीना डेढ़ महीना हुआ होगा. नहीं तो हम लोग तभी स्ट्रॉन्ग थे, वी वर थिक दैट टाइम आल्सो, तो ये भाई ऐसा नीचे उतरा हूं मैं वहां से उसको याद नहीं, मैं इसको ऐसे दिखा रहा ओ और ये ऐसी मेरे डायरेक्शन में ही देख रहा हूँ, मैं उसको हाय हाय कर रहा हूँ और ये घुमा और चले गया. मैं क्या कुत्ता है यार. व्हाट हैपेंड, आई वाज टॉकिंग टू अ प्रोडक्शन गाय, तो कुछ हमारा टाइमिंग का कुछ लोचा चल रहा था कि ऐसा करते हैं वैसा करते हैं, तो कुछ सीरियस कॉन्वर्सेशन चल रहा था. ड्यूरिंग दैट ओनली आई टर्न दिस वे और ये बहुत दूर गई था और काफी कुछ रास्ते में था. अब इसने मतलब किया होगा और मैं फिर बातों में लग गया. एंड यू नो व्हाट, आफ्टर अ व्हाइल आई रियलाइज दैट दिस गाय भाई मुझे पूछता है. मैंने इसको आगे बोला तूने हाथ मेरे लिए किया था ना शायद. ये तो यहाँ किया तो था तेरे लिए. यार सो सॉरी, यार सो सॉरी. आओ मेरे को याद भी नहीं, पर छोटे होते था शायद. बड़े होते हैं स्कूल में तो सब देखते हैं बड़े हो गए. अभी रिसेंटली जब बड़े हो गए हैं पब्लिकली कहीं गिर गए हैं. सर वेरी फिजिटी, मुझे बहुत मजा आता है. मैं तो गिरा हूं कितने बार, वो एक तो जिम में गिर गया, किक की प्रैक्टिस कर रहा था. हां तो मैं स्ट्रेचिंग खोल रहा था और तो वहां पे ना, नो आई एम श्योर ही मसा ये ओवर एक्साइटेड गिरा मैं. हां ओवर एक्साइटेड रहा था. ओके गिर भी सकता. ओके बच्चा नहीं हुआ था तो उसके बाद कितने बार Never.
फॉरेन लव्स पहली नजर का प्यार देखते ही प्यार हो गया या एक दो मुलाकात में प्यार हो गया जी मेरा प्यार ही एक बार ही हुआ है वो भी फॉरेन इन लव वन साइड का रहा तो था नहीं अच्छा व्हाट अबाउट यू करण मेको हुआ है बट वो यू कांट कॉल इट लव बट इट वाज लाइक वेरी हार्डकोर अट्रैक्शन एट फर्स्ट साइड राइट राइट एंड आई एक्चुअली स्पोक टू हर शी इज वेरी रैंडम ओके ओके छोटा तो किया मैंने हां करण ने तो की है उनके स्माइल से ही पता चल नहीं मैंने ऐसा जासूसी नहीं फिर भी थोड़ा स्पाइन जो एक रहता है नेवर बॉदर्ड बट हां मेरे को पहले ऐसा था मैं अपने कीहोल से जरूर देखता था कि कौन है क्या है but not spying spying actually not exactly but what happens is now I grew up in Punjab bade bade ghar hote hain wahan pe to aas pados mein kisi ke ghar se shor sharaba aa raha ho to bahar aake banda dekhne nahi jata kya ho gaya kiski ladai ho gayi bhai okay cool छोटे होते तो मैंने बहुत ही करता था नहीं कभी पकड़ा नहीं मतलब आप घर पे हैं पर आपने दरवाजा नहीं खोला घर नहीं है हम लोग लेकिन किसी ने वही आदमी ने घर पे आके नॉक कर नॉक किया और आपने खोला ही नहीं प्रिटेंडिंग आर नॉट एट होम बिकॉज़ आपको इंटरेक्ट नहीं करना चाहते थे कुछ भी आई डोंट थिंक आई बीन एंबैरस्ड बट अरे मैंने तो बॉम्बे भी किया था एक काम वाली रख ली ठीक है तो क्या हुआ दूसरी काम वाली जो आती थी रेगुलर उसको रखना नहीं था उसकी छुट्टी करनी थी और अभी इसको रखा ही था एक घंटा उसने काम ही किया था मुझे याद भी है चार पाँच साल हो गए इस बात को वो दूसरी वाली आके बेल मार अब वो काम वाली अगर हमारा देखती हो अरे बहुत शॉर्ट करना पड़ता है व्हेन यू आर लिविंग अलोन ना इन बॉम्बे माय फैमिली वाज इन यार हम लोग साथ में बैठ के खाना खाते हम लोगों को खाने में डिफरेंस समझ में आ जाता है अरे भाई आज काम वाली चेंज हो गई है इसकी ओके क्योंकि फैंस को कुछ मैसेज देना चाहिए मैसेज क्या दें यार आप लोग मैसेज दे रहे हैं हमें अपने कॉमेंट्स के जरिए हमारे शो को इतना प्यार देकर हमें प्यार देकर इतना पसंद कर रहे हैं यू आर सपोर्टिंग अस इन एवरी सेंस अभी पीछे भी काफ़ी सपोर्ट किया है किस बारे में किया वो छोड़िए काफ़ी सपोर्ट कर रहे हैं एंड सो या मुझे लगता है वी आर लकी वी आर ब्लेस्ड कि देवदृष्टि को इतना प्यार मिला इतने कम समय पाँच महीने हुए हमें ऑन फ्लोर गए हमारे टेलीकास्ट को यू एक्सपेक्टेड जब ये शो आप ऑफ रहे थे आप ऑन फ्लोर गए थे मैंने तो नहीं किया था मेरी आदत भी है कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशन से जाते ही नहीं है जो होगा अच्छा होगा टर्न आउट टू बी ब्यूटीफुल फॉर पता नहीं नाउ धीरे धीरे जब स्टार्टिंग में हम लोग आते थे यहाँ पे भी लोग फैंस मिलने आते थे दे यूज्ड टू रिकॉग्नाइज अस कि हाँ है पर अब जब आते तो आपको आपके कैरेक्टर के नाम से बुलाते तो बहुत अच्छा फील होता है मतलब एक पाँच महीने में जैसे अद्वित ने बोला एक वीकेंड शो पाँच महीने में इतना पॉपुलर हो रहा है एंड शायद हम एक्सटेंशन भी मिलने वाले हैं दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ देम अगर उन लोग ही नहीं देखेंगे तो कैसे होगा एंड ऑब्वियसली सभी मेहनत कर रहे हैं शो जिस तरीके से बन रहा था ऐसे बहुत बड़े बड़े भी शोज बने जो नहीं चल पाए बट ये चल रहा है इट्स ऑल बिकॉज ऑफ द ऑडियंस थैंक यू सो मच थैंक यू टेक केयर बाय